सविते कविता कावर की साध्य वेला
के आज बाल में पके आज बाल में हुए निश प्रभु गाल में हट रहा मेला, जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे प्यार करते, कोई और नहीं बस मैं अकेला। आंखों में नींद कहां आती है, सुनते हो तुम? पहचाना? युग युग से तुमको पहचानता हूं प्रिया, मेरी धर्म पत्नी सखी मनोहर। शब्दों के जादू गर्म तुम इतने दिनों बाद मिली इसीलिए रुट गए हो ना, लेकिन मैं भी तुमसे दूर जाकर शून्य में ही भटकती रही। देता नहीं पाला मैं बस पीड़ा से भरा मन का प्याला उछल पड़ा मनोहर। लेकिन मैं तो रही साथ तुम्हारे छाया से, सदा सदा तुम्हारे साथ रही मार कर भी सामने इसलिए नहीं आती थी कि कहीं तुम्हारा ध्यान व्यवधान हो जाए। और तुम कहीं खिन्न होकर मनोरमा को तुम ये क्या सोच रही हो? मनोरमा तुमने क्या सोचा है? तुम तो थी सदा से मेरी गुरु, तुम ही थी मेरी प्रेरणा। शक्ति थी और शक्ति के बिना भी क्या साधना हो सकती है? लेकिन मनोरमा उस कथा का विकास से बिखर गया। लेकिन मनोरमा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जैसे तुम्हारे योग्य नहीं था, इसलिए तुम लूट कर चली गई मुझसे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपको पाकर मेरा नारी मेरा मेरा
जीवन यथार्थक हो गया। आपको छोड़कर कुछ भी न चाहती थी मैं। आपको पाकर आज है ही क्या इस जीवन में जो मैं और कामना करती, और इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। इस मझधार में अकेला भटकने को, इस भवसागर के पागल तरंगों में अच्छा समझाती हो, दिल बहलाती हो। तुम कहते हो कि बदल गया, आज भी तुम उसी तरह मुझे डांटते हो, आज भी उसी तरह लड़ते हो मुझसे, उसी तरह रूठते हो। मृत्यु की छाया वो दिन था जब हम मिले थे दोनों, पूरी दुनिया में प्लेग फैला हुआ था, इसीलिए मेरा झोपड़ा मुंबई के पेड़ के नीचे बना था। मृत्यु की छाया लेकिन मैं आज हार गया जीवन रन, छोड़ गए मेरे साथी जन, रह गया एकाकी वीरा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो जानते हैं कि फूल झड़ जाते हैं लेकिन सुर्खी का संसार नहीं मरता, दीप बुझ जाते हैं लेकिन ज्योति का व्यापार नहीं मरता है। आदमी मर जाता है लेकिन उसका प्यार नहीं मरता, और उसी तरह मेरा प्यार भी तुम्हारे साथ रहेगा सदा सदा। मैं मंच के लिए एक कविता भी नहीं लिख पाया, किसी
शब्द भी न लिख पाए। शायद इसीलिए गांधी जी भी मुझे हिंदी कभी मान से इनकार कर दिए। लेकिन मैंने उनका विरोध नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ अपना काम करूंगा जो मुझे सुहाता है। शायद इसीलिए पंती जी से और प्रसाद जी से मेरी अच्छी बनती है। पंती जी जब खादी का धोती कुर्ता और बूट पहनते चल देते हैं बनारस की गलियों में, मैं उनके साथ वार्तालाप करते हुए नंगे पैर अधखुली कमीज और धोती पहनकर चलता होता था। लोग क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं देते। खैर मैं भी तो बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। कितना बदल गया है ना सब कुछ। ये सूरज कुमार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बन गया। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बन गया। छोड़कर अपने परिवार की सेवा करूं और क्या भी, लेकिन ये कविता मेरे शरीर में प्राण की तरह साथ साथ चलती रही। इसे अपने जीवन से निकाल कर फेंकना मेरे बस का न रहा। और मैं लिखता रहा, लेकिन धन के अभाव में मैंने अपनी शादी 5 आम देकर किया। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन कविताओं में कुछ भी नहीं था। इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर इसमें कुछ होता तो मुझे भी नोबेल पुरस्कार मिल जाते। अगर इसमें कुछ होता तो मैं भी अंग्रेजी चापकलता करते मैंने बालों की तरह बैठे और बड़ा कविता कहलाता। अगर इसमें और कुछ होता, अगर इसमें कुछ होता तो ये निराला भूखा नहीं मरता। अगर इसमें कुछ होता तो मेरा निराला अपनी बीवी को तड़प तड़प कर मरते नहीं देखता। कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है ये कचरा, कुछ नहीं है। अगर इसमें कुछ होता तो अंग्रेजी की गुलामी करने वालों को कुछ मैं सिखा पाता। मैं भी आज कविता कहलाता। बहुत दुख होता है अपने पर। भाव जी
आपने ऐसे किसी के साथ गलत भी तो नहीं किया? आपने किसी को कष्ट भी नहीं दिया? मैं अपने बाप होने का पल नहीं चुका पाया। मैं अपने बाप होने का पल नहीं चुका पाया। तक लिखता रहूंगा।